Alright, hey guys, what's up everybody? This side Sarvin and I'm from How to Edit. और आज मैं आपको बताऊंगा मगशॉट एडिट का जो चैलेंज चल रहा है तो उसे आप कैसे एडिट कर सकते हैं. तो यहाँ मैं आ गया हूँ बर्न डॉज टूल के अंदर और यहाँ एक्सपोजर आपने सेट करना है. शेडो से आपके जो क्रिएट होंगे वो होंगे ब्लड मार्क्स. धीरे धीरे आपको या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आई के नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्लोली स्लोली आई के नीचे मैंने ब्लड मार्क्स क्रिएट करने चालू कर दिए हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं आई के नीचे बहुत प्यारा सा एक कलर आ गया है, रेड कलर का. जैसे वो होता है कि किसी ने घूसा मारा हो चाहे आँख के ऊपर, तो वो एक रेड क्रिएशन आ जाती है अच्छी खासी. फिर उसके बाद हम हाइलाइट्स में जाएंगे उस पर ब्लैक्स ऐड करने के लिए. ब्लैक्स एक अच्छा कलर है और यहाँ से ये बर्न कर देता है, मतलब स्किन को, और एक एस्थेटिक लुक देता है कि हाँ आपके इस राउंड में पड़े. और फिर आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं शेडो और हाइलाइट्स में. मिड टोन्स करता है क्या है, मिड टोन्स काली करता है चीज़ों को, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक्सप्लेन करके. और यहाँ मैं नोज़ पे भी कर देता हूँ ये, क्योंकि जब यहाँ पे लड़ाई हो रही होगी तो यहाँ नोज़ के पास लगना एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि हाँ हमेशा लगेगी लगेगी वहाँ पे. सो ये इसकी PST भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. और वहाँ बहुत सारी PST प्रीसेट पहले से हैं तो आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है. आप किसी को भी वहाँ ज्वाइन इन करा सकते हैं. सो यहाँ शेडो से देख सकते हैं आप मैं कितना अच्छा डीप सा एक कलर क्रिएट कर रहा हूँ कि चेहरे पे पंच टाइप है. और यहाँ थोड़ा आई के ऊपर भी पेंट कर देता हूँ मैं. और एक्सपोजर को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, 25 कभी 50 कभी 90. सो यहाँ मिड पॉइंट्स पे आता हूँ अब मैं. मिड पॉइंट देख सकते हैं आप, मैं बहुत धीरे धीरे पेंट कर रहा हूँ नोज पे, जो एक ब्लैक कलर सा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों का बीच का पार्ट बोलूँगा मैं उन्हें. सो वो बहुत ही क्रूशियल होता है. और यहाँ मैं एक फेस के यहाँ फोरहेड पे भी क्रिएट कर देता हूँ एक, लेकिन ये आगे चल के एडिट में मैं हटा दूँगा. सो इस वाले अगर आपको ये सही लगता है तो आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा था, मैंने एंड में चेंज कर दिया था इसे. तो ट्यूटोरियल के लास्ट में आप देख सकते हैं कैसे मैंने चेंज करके दूसरा यहाँ पे रखा था. यहाँ जस्ट मैंने मार्क बनाया था, कोई ब्लड ब्लड का ज़्यादा साइन नहीं बनाया था. यहाँ थोड़ा ओवर हो गया था इसलिए अब यहाँ थोड़ा माउथ के पास भी बना देता हूँ मैं. और बाकी सब पूरा सेम ट्यूटोरियल है, आप फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं. जस्ट शेडो और इसी में मिड टोन्स हाईलाइट से करा है मैंने, कोई और ज़्यादा टूल यूज़ नहीं करा है. सो हमने यहाँ पे अब ये सारे मार्क्स बना लिए. अब बनाऊंगा मैं एक लाइंस मार्क होते हैं जो कट्स के निशान होते हैं, कट्स के भी निशान बहुत इजीली बन जाते हैं. और पहले शेडो से मैंने वहाँ थोड़ा एक क्रिएट करा रेडनेस, और अब धीरे धीरे ब्रश से हाईलाइट से मैं वहाँ एक कट्स जनरेट कर दूंगा. सो ये भी सेम ऐसे ही होते हैं बाकी सब, मतलब लाइक जॉम्बीज स्क्रैच बोलते हैं इन्हें. तो मैं बजाय PNG यूज़ करने के मैं ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको.
सो थैंक यू गाइज, अगर आपने यहाँ तक ये मेरा ट्यूटोरियल देखा है, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और लेटेस्ट अप टू डेट रहते हैं। हर 2-3 दिन पे एक ट्यूटोरियल आ जाता है, सो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ क्रॉपिंग 1-to-1 की कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम के लिए कि पोस्ट करूँ, शायद पोस्ट करूँ या शायद ना करूँ, शायद कर दूँ मैं आज, टैग ज़रूर करूँगा टोनी मैफर्ड को। अगर पसंद आए तो लाइक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मॉलन आर्ट का पिछली फोटो पे ज़रूर लाइक आया था, और चेकआउट करें वो वाला भी ट्यूटोरियल, विजय महार के एडिट, टॉक्सिक एडिट वाला, जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू गाइस, पीस।